ये हमारे वसीम भाई हैं। हमने अब से एक हफ्ता पहले वीडियो डाली थी लखनऊ की, और आज एक हफ्ते या डेढ़ हफ्ते के बाद फिर हम आज लखनऊ आए हैं, और इसीलिए कि देखें कि क्या मदद आ चुकी है, क्या अभी मदद आनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने वीडियो डाली थी तो जब से आज तक करीबन 70-80 हज़ार करीब इनको मदद आ चुकी है, और इनका जो इलाज था वो शुरू हो चुका है, जो फिजियोथेरेपी है वो शुरू हो चुकी है। वसीम, कितना कितना रिलीफ हो रहा है, कितना? जी, पहले से थोड़ा ये सही है कि पैर सही हो गया, चलने लगे थोड़ा सपोर्ट से, अकेले नहीं चल पा रहे। और वो बोले हैं कि 1 महीने में आपका और बेहतर हो जाएगा थोड़ा। अच्छा, जी उम्मीद है कि 1-1.5 महीने में आप चलने लगो। नहीं, 1-1.5 महीने में नहीं, चल तो हम अभी भी रहे, लेकिन अभी जो वहाँ दर्द है वो देर में खत्म होगा, ठीक अच्छा, तो होगा। प्रॉपर इलाज आपका फिर कैसे होगा? वो तो बोल रहे हैं कि मतलब 2-4 महीने करें, उसके बाद देखेंगे। उम्मीद तो है ना, जब से आपका शुरुआत हुआ, कि हाँ आप ठीक हाँ हो जाएंगे उम्मीद है, इंशाल्लाह। वो भी कह रहे हैं कि ठीक हो जाएंगे। आप अपने जो इंसान के काम होते हैं ज़रूरत के, वो खुद कर सकते हैं। अच्छा, वैसे गर्दन वर्दन तो ठीक है ना आपकी? वो जी, तो गर्दन ठीक है, हड्डी भी जुड़ चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आपने मदद की, और उम्मीद करता हूँ कि जब तक वसीम का इलाज चलेगा मदद भेजते रहेंगे आप। और पिछली दफ़ा भी हमने कुछ मदद की थी, और अब फिलहाल वसीम के पास इतना पैसा तो आ गया कि अपना फिजियोथेरेपी वो दो तीन अपनी 5-6 महीने तो आराम से हो जाएगा फिजियोथेरेपी। हाँ, 500 रुपये दे रहे हैं, मतलब 2 टाइम के। जी डेली 500 रुपये जा रहा है एक, उसके मतलब 15,000 रुपये महीना जा रहा है। चाहिए पर हगीज क्यों बांधना पड़ता है आपको? इसका इलाज नहीं कराया आपने? मेटिन पता नहीं चलती इनको, वो ये दर्द के दिक्कत साथ है। हो दर्द जाती जब है। होता है उस टाइम होती है इनके, लेटिन थोड़ी सी हो गई, कभी पतली हो गई, एकदम पानी ऐसी बह के इधर आ जाती है, कभी थोड़ी सही हुई टाइमिंग नहीं हुई तो, अपने आप और हो जाती। पेशाब का नहीं तो भी नहीं मतलब पता चलता आपका जो नीचे नीचे का हिस्सा वो बिल्कुल सुन है क्या? पता नहीं चल रहा है आपको? पता चल रहा है थोड़ा, पहले से दर्द बहुत है यहाँ से कमर से पैरों तक के। तो MRI, वो MRI जो हुई उसमें क्या बताया है डॉक्टर ने? उसमें तो बताया हड्डी जुड़ चुकी है और चोट लगने से नस बहुत ज्यादा इनकी मतलब डैमेज हो गई थी, उस पे जख्म हो गया था। अभी सही है, लेकिन उस पे इतना मतलब जख्म था, उसके साथ साथ में जो बारीक नसें, वो न्यू हमको समझाएं कि जो नस के जैसे समझ लिए तार के वायर के गुच्छे चलते हैं बंडल, उस तरह से है। और नस एक जो मेन जो दिख रही है वो एकदम पिच्चा हो गई थी, जख्म था उस पे, अब सही है। लेकिन वही नस दब जाने से और भी नसें जो बारीक होती हैं उन वो भी डैमेज हो तो गई क्या हैं। डॉक्टर क्या उम्मीद बता रहे हैं? डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इनका इलाज अभी चलेगा 4-6 महीने, थेरेपी और दवा जरूरी है। थेरेपी आप कराइए 2 टाइम 3 टाइम जितनी हो सके, और इनको जो है सहारा दे के और चलाइए खूब, तब आने वाले 5-6 महीने में इतना हो सकता है कि वाकर लेके चलने लगेंगे। अच्छा, और पूरी तरीके से अगर ठीक होने वाला तो कह रहे मुश्किल है, वो तो अल्लाह के हाथ में है। कब नहीं, अपना अपना तो जितना जरूरत का चीजें वो तो जा सकते हैं ना, लैट्रिन बाथरूम नहाना ये तो कर सकते हैं ना? जी वो कर हाँ, सकते ये तो हैं, 5-6 महीने में करते ये अल्लाह इतना का हो शुक्र है कि जाएगा, काफी अच्छी है। ये चीज हो जाएगी। चलिए, इनका इलाज है ना, इलाज मत तोड़िएगा वसीम अपना, है ना? जो आपका फिजियोथेरेपी का है वो करते रहिएगा इंशाल्लाह। और हमने उस वक्त भी मदद की थी, और अभी भी जो हमसे मदद होगी हम मदद करेंगे, ठीक है भाई? ये कुछ पैसा है रख लीजिए आप। कोशिश तो हम लोग भी कर रहे हैं। अच्छा, दिक्कत तो हम इनकी थेरेपी कराते थे, दिक्कत मेरे भी हो गई इनसे पहले, मेरे कमर की हड्डी खिसकी हुई है, इस वजह हम करा रहे थे तो मेरे खुद सुन होने लगे, हाथ और पैर दर्द होने लगा, तो रुक गए हम। फिर वसीम, ये कुछ 80 हज़ार आप पे आ गए, 10 हज़ार हो रहे हैं भाई, ये 10 हज़ार रुपये हैं जी, ये रख लीजिए 10 हज़ार रुपये, ये तुम्हारी थेरेपी के काम आएंगे दोस्त, ठीक है? शुक्रिया तो, भाई। अरे शुक्रिया नहीं है, आप मेरे भाई हो, छोटे भाई हो आप मेरे, ठीक है ना? तो बड़े भाई का फर्ज बनता है ना कि अपने छोटे भाई का ख्याल रखें, तो आप मेरे छोटे भाई हो, तो आप पैसे रखो इंशाल्लाह, जो मदद होगी हम फिर करेंगे आपकी मदद भाई, ठीक है ना? और पूरी दुनिया आपकी मदद करे इंशाल्लाह, फिर आपके अकाउंट में पैसा आएगा, इतना आ जाएगा कि तुम अपना कुछ काम वाम कर सको, खुद का इलाज करा सको। तो हिम्मत नहीं आनी है, और मेहनत से काम, मेहनत से, ठीक है ना? तो ये वसीम, ये क्या गद्दा मंगाए? जी ये हमारे भाई ने गद्दा मंगाया, पहले ही इनको दिक्कत थी गद्दे पे क्योंकि जख्म हो जाते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका इससे हवा इसमें जाती है, और हवा जाके अब आराम है पहले से। चले चले वसीम, जिन लोगों ने आपकी मदद की है, जो लोग आगे बढ़ चढ़ के आए हैं, क्या कहना चाहोगे उन्हें?
चलिए यही कहना चाहेंगे कि अल्लाह उनको और तरक्की दे और हिदायत दे कि और लोगों की मदद कर सके हमारे ऐसे लोगों की। शुक्रिया भाई सबका जो हमारी मदद की ने। अब उम्मीद जगी नहीं जगी कि थोड़े बहुत देख रहे हमको भी। बस हिम्मत रखिए, उम्मीद जग रही है ना भाई, लोगों के साथ मिल रहा है आपको इंशाल्लाह। देखो अल्लाह है जरिया कराने वाला, अल्लाह है वही भेजता है, वही दिमाग में डालते हैं हमारी। अभी आपकी देख रेख के लिए हमारे जी भाई आया करूंगा, ठीक है ना इंशाल्लाह। अगर मैं भी ना आया तो फिर ये आपके पास आएंगे और इंशाल्लाह दुआ करो, नमाज पढ़ो, माँ बाप की दुआएं लो और बहुत जल्द ठीक हो जाओगे भाई, ठीक है। तो ये हमारे वसीम भाई थे, कोशिश हमने करी है, जो पहली दफ़ा भी हमने कुछ पैसा दिया था, अब भी कुछ पैसा दिया है, हमसे जो मदद हुई हमने करी है, आप लोगों ने मदद की है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग आपके आसपास ज़रूर होंगे, निकलिए अपने घरों से और ऐसे लोगों को देखिए जो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं, जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। और हर गली हर मोहल्ले में एक मुशाहिद खड़ा हो, क्योंकि हर जगह से मुझे फ़ोन आते हैं, मैं नहीं जा सकता, लेकिन हर मोहल्ले में एक मुशाहिद खड़ा हो सकता है जो ऐसे लोगों की खिदमत करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें यूँ ही प्यार बांटते रहिए, साथ साथ हमारे आमिर भाई को भी प्यार दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।